केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूपी के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भत्ते नहीं दिए जाएंगे। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कोरोना के मामले यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यूपी सरकार सख्त है। सरकार कोरोना को रोकने के हर संभव कदम उठा रही है, जिसके तहत लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है। सभी जिलों में 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के बॉर्डर पहले की तरह ही सील रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया भर के देशों में अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 775 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने को है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा में नहीं आते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलवाई है। संजय कोठारी को शपथ दिलाने के दौरान कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, साथ ही वहां मौजूद लोगों ने मास्क भी लगाए थे। मेरठ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। 3 नए मामले मिलने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 89 पहुंच गई है। इस बात की जानकारी जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विश्वास ने दी है। वहीं मेरठ में 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। 30 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। गाजियाबाद में एक और महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महिला डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दिरापुरम थाना इलाके की रहने वाली ये डॉक्टर महिला बताई जा रही है। गाजियाबाद में अब कोरोना मरीजों की संख्या जो है 36 पहुंच चुकी है। कानपुर शहर में कोरोना संक्रमण फैलाने का मामला सामने आया है। रेल बाजार पुलिस ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संक्रमित दंपति पर महामारी अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल होम क्वारंटीन करने के बावजूद परिवार बाहर कई जगह पर घूमता रहा, साथ ही महिला हॉटस्पॉट एरिया की निवासी होने के बावजूद दूसरे एरिया में अपने मायके पहुंच गई। फिरोजाबाद जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 7 कोरोना के मरीज और मिले हैं। ये सभी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78 हो गई है। ये लोग यहां कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों के संपर्क में आए थे। वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर सख्त हो गया है। खुद डीएम ने सील किए गए इलाकों का दौरा भी किया है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है और सभी लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। कोरोना योद्धा सड़कों पर निकलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में गोंडा में महिला सिटी मजिस्ट्रेट लगातार सड़कों पर बाहर रहकर ड्यूटी कर रही है। वहीं एक महिला ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने पूरे गाँव को सैनिटाइज करवाया है। टिहरी जिला प्रशासन में कोविड 19 से इतना भय हो गया है कि जिला मुख्यालय में बैठे टिहरी जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम भी क्वारंटीन हो गए हैं। पिछले 22 मार्च से जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय और आवास तक ही सीमित रह गए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से मिलने को किसी बाहरी व्यक्ति की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं अब तहसील में एसडीएम सदर पिंचाराम भी क्वारंटीन जैसी स्थिति में पहुंच गए। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 9 लोगों के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 160 पहुंच चुकी है। मजदूरों को आज भी अपने प्रदेश में आना लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते बहुत से मजदूर अलग अलग प्रदेश से में जो फंसे हुए हैं, ये मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। वहीं आज पुलिस ने श्रावस्ती में 23 लोगों को पकड़ा। ये लोग मुंबई से पैदल अपने घर के लिए निकले थे। मुंबई से पैदल चलकर 16 दिन बाद ये लोग श्रावस्ती पहुंचे, जहां पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया। लॉकडाउन पार्ट टू में गरीबों की मदद के लिए सिविल कोर्ट ने भी राहत सामग्री देने की पहल की है। सिविल कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और अधिवक्ताओं की मदद से जिला जज ने 1,19,000 की राहत सामग्री के साथ 10 क्विंटल अनाज डीएम और एसपी को सौंपा है। साथ ही जिला जज, डीएम और एसपी ने सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद जरूरतमंदों को अपने हाथ से राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को पवित्र माह रमजान की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रमजान का महीना आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। रमजान के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए नमाज पढ़ने की अपील पर सीएम ने कहा कि मुस्लिम भाइयों की इस अपील का सभी को अनुसरण करना चाहिए। कोरोना पूरे विश्व के लिए महामारी के रूप में उभरा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कोरोना वायरस के संकट के समय में कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, जिसके चलते लॉकडाउन में गरीब और मजदूर लोगों को खाना नसीब हो पा रहा है। इस बीच लगातार राशन वितरण और भोजन वितरण में सामने आ रही शिकायतों को लेकर एसडीएम ने सभी संस्थाओं को के लोगों के साथ नगर निगम की बैठक की। मुरादाबाद में एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार गैर जरूरी दुकानों को खोले जाने के आदेश को अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश सिंह के अनुसार मुरादाबाद में कोविड-19 के पेशेंट का आंकड़ा 90 से ज्यादा पहुंच चुका है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए एमएचए की गाइडलाइन को फिलहाल के लिए लागू नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के बीच यूपी के संभल में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां पर दूल्हा अकेला ही बाइक पर सवार होकर लड़की वालों के घर पहुंच गया और निकाह कर लड़की को बाइक पर बिठाकर घर ले आया। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है। गांव-गांव तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, पर वहीं कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भीड़ लगाकर सब्जी मंडियों में सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की वजह से बाजारों में फेस मास्क की कमी आ गई है और बाजारों में मास्क मिलने बंद हो गए हैं, जिसको देखते हुए मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री कमला थपलियाल ने और अनीता धनाई ने अपने घर पर मास्क बनाने का काम जो है शुरू किया है। दोनों ने मिलकर अब तक करीब 500 से अधिक मास्क बनाकर तैयार किए हैं, जिसे जरूरतमंदों को बांटा गया है। बहराइच में लॉकडाउन तोड़ने पर 32 नमाजी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर नमाज पढ़ने जा रहे थे। मना करने पर पुलिसकर्मियों पर हमला और पथराव किया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद अलीगढ़ में 90% मार्केट पूरी तरीके से बंद है। दुकानदारों ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान खोलने के लिए आए थे, मगर पुलिस आ गई और पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया। लोगों ने कहा कि पुलिस ने दुकान खोलने की परमिशन मांगी और परमिशन नहीं दिखाई तो मार्केट बंद कर गए। कोरोना वायरस की वजह से इस बार चारधाम यात्रा भले ही न शुरू हो पाई है, लेकिन हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसाय से जुड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से यात्रा की शुरुआत कर दी। हर साल की तरह इन व्यवसायियों ने बिरला घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही इनके द्वारा राज्य सरकार से टैक्स, इंश्योरेंस आदि में राहत दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कोरोना काल में सरकारी खाद्यान्न की वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नवप्रभात का कहना है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश में उन लोगों को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। साथ ही ऐसे लोग भी सरकारी खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं जिनके राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए हैं।
राज्य में लॉकडाउन के चलते सभी कॉलेजों को बंद किया गया है, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी ने इन दिनों मेडिकल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। लॉकडाउन के एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिससे कि MBBS के छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 हफ्तों से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है, जिसमें हर रोज 200 से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। ऋषिकेश शहर का सरकारी अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। हालात ऐसे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है। अस्पताल में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार तो किया गया, लेकिन उसमें वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं दी गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन वेंटिलेटर का इंतजाम करने की बात तो कह रहा है, मगर उसके संचालन के लिए कर्मचारी की तैनाती भी अस्पताल में नहीं की गई है। कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपए की आर्थिक मदद दी है। देहरादून में भी जिन महिलाओं के जनधन अकाउंट के तहत बैंक खाता था, उनके अकाउंट में 500 रुपए की पहली किस्त आ चुकी है। किस्त आने के बाद महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में इससे थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। कोटा के बाद अब औरंगाबाद से भी उत्तराखंड के बच्चों की सकुशल घर वापसी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद में फंसे 11 बच्चों के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने लगातार संवाद स्थापित किया। वहीं मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि उनको परिजनों की तरफ से बच्चों के औरंगाबाद में होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रयास किए गए जो कि सफल रहे और प्रदेश के 11 बच्चे उत्तराखंड वापस लौट आए। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक दंपति अपने 1 साल के बच्चे को लेकर हरिद्वार से श्रीनगर पहुंच गया। प्रशासन ने इनको गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच गृह कलेश हुआ, जिसके बाद वो दिन भर श्रीनगर में भटकते रहे। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल दंपति को बच्चे समेत गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए आर्थिकी का एक प्रतीक चारधाम यात्रा कब चलेगी, ये अनिश्चितता में है। सरकार ने एक कमेटी का गठन तो किया जो लॉकडाउन से हुए नुकसान का आंकलन और उसकी भरपाई कैसे होगी इस पर अध्ययन करेगी और सरकार को जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार में राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार खुद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर चिंतित हैं और सरकार जल्द ही इसको लेकर फैसला लेगी कि चारधाम पर आश्रित लोगों को कैसे राहत दी जाए। देहरादून में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने हरिद्वार के मंगलौर इलाके में महिला कर्मचारियों के साथ की गई घटना की कड़ी निंदा की है। परिषद ने मांग की है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल 21 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के कुछ महिला कर्मचारी कोरोना वायरस संबंधी सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए गई थी, जहां पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने उनके साथ बदतमीजी की थी। लखनऊ में रोज कम्युनिटी किचन के जरिए करीब 1 लाख गरीब मजदूरों तक खाना और राशन पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों को राशन बांटने की योजना शुरू की गई है, जिसमें राजधानी लखनऊ के 5 तहसील में 1 लाख से अधिक लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना से जारी लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऋषिकेश में भी किसानों ने बंद गोभी की फसल लगाई थी, लेकिन कीटनाशक दवाएं नहीं मिलने की वजह से उनकी फसल खराब हो गई, जिससे कि उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। फसल खराब होने से किसानों को परिवार की चिंता जो है सताने लगी है। प्रभावित हुए किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अलीगढ़ में राशन के चावल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के सहारा कला गांव के पास छापा मारकर SDM ने चावल की 914 बोरी बरामद की है। इसी मकान से कुछ दिन पहले भी सरकारी राशन के बोरे पकड़े गए थे। मकान मालिक फरार है, वहीं SDM ने चावल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। इन सभी बोरे को एक राशन डीलर को सौंपा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर को सस्पेंड विदेशी जमातियों का मदद करने के आरोप में किया गया है। जेल भेजे जाने पर यूनिवर्सिटी ने यह कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड किया है। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन चल रहे 4 लोग फरार हो गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति 4 दिन पहले अलीगढ़ के अपने गांव में आ गया। पुलिस को उसकी जानकारी लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम टप्पल के मोर गांव पहुंची। नोएडा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ फरार व्यक्ति को नोएडा लेकर आए।
शाहजहांपुर में सत्यानंद हॉस्पिटल ने सुरक्षा कर्मियों और कोरोना योद्धाओं के लिए अनोखी पहल की है। कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों की अल्ट्रासाउंड जांच की सेवा फ्री कर दी गई है, जो उन डॉक्टरों के लिए एक सबक है जो संकट की घड़ी में पीड़ित सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं या बहाना बनाकर मरीजों को नहीं देख रहे। डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों के सम्मान की तस्वीरों से अलग लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसमें घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले हॉकरों का लोगों ने सम्मान किया। लखनऊ के मकबूलगंज के लोगों ने गैस सर्विस के डिलीवरी करने वालों को कोविड 19 के समय नियमित गैस की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कुछ पैसे, फल और उपहार देकर फूलों की वर्षा की और उन्हें सम्मानित किया। मेरठ में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे का बिना टेस्ट किए ही उसे परिजनों को सौंप दिया। बच्चे की मां अभी आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव है। बच्चे को नियमानुसार अभी नर्सरी में रखा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इसमें बड़ी चूक कर दी, क्योंकि अगर बच्चा भी पॉजिटिव हुआ तो और लोगों को भी संक्रमण फैल सकता है। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति को क्लीन चिट मिल गई है। उन पर पुरानी राहत सामग्री बांटने का आरोप लगा था। एसडीएम ने जांच के बाद मंत्री के पति को क्लीन चिट दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच में गुणवत्ता सही पाई गई। देवबंद से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। जांच में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही युवक के परिवार के 18 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। युवक के परिवार के 29 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। संक्रमित युवक जिले के मगहर कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर 21 हो गई है। पौड़ी गढ़वाल के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने श्रीनगर नगरपालिका सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों की बैठक की। इस दौरान नगरपालिका द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री से नगरपालिका के संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग रखी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सतपाल महाराज ने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि जिस तरह कोरोना काल में भारत ने विश्व के तमाम देशों को मदद की है, ऐसे में भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए वीटो पावर के साथ आवेदन करना चाहिए। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में 5 लोगों के शव घर में बरामद होने से हड़कंप मच गया है। यह घटना मोहल्ला श्रृंगार नगर का है, जहां बीती रात एक बुजुर्ग, 2 महिलाएं और 2 बच्चों का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी ने जांच पड़ताल करने में जुट गए। कोरोना संक्रमण के चलते खराब हो रही देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बयान देते हुए नैनीताल से भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के हर व्यक्ति की जान की परवाह है, भले ही देश को आर्थिक रूप से कितना भी नुकसान हो जाए। नैनीताल सांसद अजय भट्ट का कहना है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री रोज 100 लोगों को फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उन्हें मदद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने एक फोन जनसंघ के समय से अब तक एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर बालेश्वर पाल को किया। बालेश्वर 74 साल के हैं। ऐसे में जब पीएम का कॉल उनके पास आया तो वो खुशी से झूम उठे। बहराइच के मजरा और धनिया बेली गांव में पीट पीट कर एक तेंदुए की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर 6 नामजद 85 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर में एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता ने सफाईकर्मी से उठक बैठक करवाई है। नगर पंचायत के सफाईकर्मी बिना मास्क और बिना दस्ताने के सफाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उपजिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने सफाईकर्मी से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाकर और हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया। कानपुर में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोहल्ले में लोगों की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को दबंग युवक ने
तोड़कर हटा दिया। लोगों के प्रवेश को लेकर मोहल्ले के लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई थी, पर दबंग युवक ने मोहल्ले वालों से झगड़ा कर जमकर हंगामा मचाया। दबंग युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक पर केस दर्ज किया है।